इस एक पोस्टर ने चीन में भूचाल ला दिया है, जिसमें ताइवान को उसके नेशनल डे पर बधाई दी गई है, वो ठीक चीनी दूतावास के बाहर ही लगा दिया गया। दरअसल इंडिया ऐसी हरकतें उस वक्त कर रहा है जब लद्दाख इंडिया चाइना के सर पे चढ़ के बैठा हुआ है। ताइवान टेल्स चाइना टू गेट लॉस्ट, ठीक है, ताइवान की तरफ से मैसेज ही आया। चाइना खामोश हो गया इस पे, चुप है बिल्कुल। अच्छा। चाइना बिल्कुल खामोश है। इस एक पोस्टर ने चीन में भूचाल ला दिया है, चीन परेशान हो गया है, बौखलाया हुआ है कि आखिर वो करे तो क्या करे। ताइवान के नेशनल डे पर पहले तो ताइवान नेशनल डे भारत में ट्रेंड करता रहा, ऊपर से एक पोस्टर जिसमें ताइवान को उसके नेशनल डे पर बधाई दी गई है, वो ठीक चीनी दूतावास के बाहर ही लगा दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां चीनी दूतावास मौजूद है उसी जगह पर खंभों में ताइवान को बधाई देने वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं। जाहिर तौर पर यह एक संकेत है, लेकिन वन चाइना पॉलिसी को इसे खुली चुनौती माना जा रहा है। कल 10 अक्टूबर को ताइवान ने अपना नेशनल डे मनाया, परंतु इस वर्ष भारत में भी ताइवान का नेशनल डे ताइवानी लोगों के समर्थन में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसका कारण है भारत और चीन का सीमा विवाद, और इस विवाद में ताइवान का खुलकर भारत के समर्थन में आना। ताइवान दिवस पर भारत में विभिन्न जगहों पर पोस्टर्स आदि लगाए गए थे। जब यह खबर चीनी दूतावास को लगी तो उनके द्वारा इस पर कड़ा प्रतिरोध जताया गया, लेकिन जब यह खबर ताइवान सरकार को भी पहुंची तो ताइवान सरकार ने चीन को फटकार लगाते हुए सटअप तक बोल दिया। इसकी उम्मीद ताइवान से चीन को नहीं थी। ताइवान को भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों का इस समय समर्थन प्राप्त है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि जिस तरह चीन भारत के पड़ोसी देश जिसमें पाकिस्तान, नेपाल आदि शामिल है, डोरे डाल रहा है, उसी तरह भारत भी चीन के पड़ोसी देशों पर अब अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ताइवान सबसे ऊपर है। यह भारत की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इन सब में पाकिस्तान में अनावश्यक बेचैनी देखने को मिलती है। आइए सुनते हैं इस समय में उस बेचैनी का हाल। चाइना, इंडिया और ताइवान के दरमियान तनाजा फिर से जोर पकड़ गया है। इंडिया के कई बड़े अखबारों ने ताइवान का नेशनल डे के हवाले से तस्वीरें छापी थी, जिस पर चाइना ने इंडिया और इंडियन मीडिया कहा कि इंडियन मीडिया चाइना की ताइवान पॉलिसी को वैसी ले जैसा होना चाहिए और ताइवान को एक अलग मुल्क करार दे के अवाम को गुमराह ना किया जाए। दरअसल इंडिया ऐसी हरकतें उस वक्त कर रहा है जब लद्दाख इंडिया चाइना के सर पे चढ़ के बैठा हुआ है। अब इंडिया दरअसल ऐसी हरकतें करके चाइना की तवज्जो ताइवान की तरफ करवाना चाहता है, और ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि चाइना को एक ही जवाब होगा कि गेट लॉस्ट। अब लफ्जी जंग तो शुरू हो गई है। याद होगा आपको कि ताइवान में चाइना के हमले का खतरा उस वक्त भी पैदा हुआ था जब अमरीकी अहदेदार ने काफ़ी अरसे पर चाइना की मर्जी के खिलाफ ताइवान का दौरा किया था और चाइना ने स्ट्रेट ऑफ ताइवान पर जंगी मशकें शुरू कर दी और दर्जनों चाइनीज लड़ाका तैयारों ने ताइवान की हदूद में परवाजें भी की थी, जिस पर ताइवान एयरफोर्स को तो अलर्ट किया था। अब इंडियन मीडिया ने फिर से शरारत शुरू कर दी है। ने ये किया कि जनाब उन्होंने उनका जो नई दिल्ली में उनकी जो एम्बेसी है ताइवान की, उन्होंने वहां पे मीडिया के कोई 254 या 250 या पता नहीं 260 लोगों को वहां पे दो अखबारों के अंदर आज जो है वो पूरे पूरे एक अखबारों के अंदर ताइवान के इश्तहार छपे हैं कि उनकी जनाब जो है नेशनल डे मनाया जा रहा है वगैरह वगैरह। ये इंडिया के अंदर ताइवान, चाइना नहीं, ताइवान की सेलिब्रेशन शुरू हो गई, अखबारों के अंदर इश्तहार छप गए। तो उसके बाद ये हुआ कि जो चाइना के की एम्बेसी थी, इसको चाइना की एम्बेसी ने फिर वहां के मीडिया को खत लिखे और मीडिया से कहा उनके कि जी हम जो हैं वो अपने जो इंडिया के मीडिया के जो दोस्त हैं और भाई हैं और सारे हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि एक ही चाइना है, ताइवान नहीं, ताइवान का नाम नहीं दिया, उनका एक ही चाइना है और बराह करम जो है वो आप यहां पे, यानी ताइवान भी मौजूद है ना नई दिल्ली में, तो चाइना की तरफ से कहा गया कि ये ताइवान को हम उम्मीद करते हैं कि आप यहां पे इस वक्त ये नहीं कहेंगे ज्यादा बात। उसके ऊपर ताइवान की तरफ से जो मैसेज आया, अब चाइना खामोश है इस वक्त, उस ताइवान की तरफ से जो मैसेज आया वो ताइवान न्यूज
ही मैं कोट कर देता हूं, ताइवान टेल्स चाइना थ्रू टू गेट लॉस्ट, ठीक है, ताइवान न्यू, ताइवान की तरफ से ये मैसेज ही आया, चाइना खामोश हो गया इस पर, चुप है बिल्कुल, अच्छा। चाइना बिल्कुल खामोश है। ये 10 अक्टूबर, इसको डबल टेन कहते हैं, यानी टेंथ मंथ और टेंथ, तो इसको डबल टेंथ इसलिए कहते हैं कि ये वो दिन है जो 1911 में जब रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, यानी जो किंग डायनेस्टी से चाइना के लोगों ने अपनी डायनेस्टी खत्म कर दी, यानी जो बादशाह थी वो खत्म कर दी थी, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो बन गया था। अच्छा, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बना था वो अब वो जो बगावत शुरू हुई थी वो 10 अगस्त को हुई थी, यानी 10 अक्टूबर 1911। तो 10 अक्टूबर का रिपब्लिक ऑफ चाइना का नेशनल डे है। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 तक रही, उसके बाद वो रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान बन गई। तो असल में ताइवान अपना यौम आजादी मना रहा है, और ताइवान जब अपना यौम आजादी मना रहा है तो ये वो यौम आजादी है जिसको चाइना नहीं मानता। चाइना तो कहता है ना एक चाइना है, एक ही चाइना है, कोई रिपब्लिक ऑफ चाइना नामी चीज नहीं है, वो ताइवान है। और ताइवान ने ट्विटर पर चीन को गेट लॉस्ट बोला। उसके बाद ताइवान के भारत में प्रतिनिधि ने ताइवान के नेशनल डे को लेकर बड़ा बयान दिया। इंडिया हैज डबल्ड डाउन ऑन इट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हेल्पिंग फैसिलिटेट ताइवान्स एक्सपेंडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। आई एम कॉन्फिडेंट दैट थ्रू आवर जॉइंट एफर्ट्स ताइवान एंड इंडिया विल बिकम इवन स्ट्रॉन्गर पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ताइवान्स मेनी गुड फ्रेंड्स for conveying their congratulations and best wishes for India-Taiwan relations on this special occasion. Let's work together to advance our common goals of peace and prosperity. ताइवान के नेशनल डे पर दिए अपने भाषण में देश की राष्ट्रपति साई इंगवेन ने चीन पर जोरदार हमला बोला। राष्ट्रपति वेन ने अपने भाषण में कहा, दक्षिण चीन सागर में विवाद, चीन भारत सीमा पर झड़प, हांगकांग में चीन का दमन, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हिंद प्रशांत इलाके में लोकतंत्र, शांति और समृद्धि गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। अगर चीन अपनी दुश्मनी को भुलाने और समानता तथा गरिमा के आधार पर संबंधों को सुधारने के लिए इच्छुक है तो हम सार्थक बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत का चीन से जब सीमा पर तनाव शुरू हुआ था उसी समय भगवान राम का एक तीर धनुष वाला पोस्टर ताइवान के सरकारी मीडिया पर दिखाए जाने लगा, जिसमें यह दर्शाया गया था कि भगवान राम अपने तीर से चीनी रावण को मार रहे हैं, और साथ में अंग्रेजी में यह संदेश भी दिखा था कि वी कॉन्कर वी विन, तात्पर्य हम ही हर हाल में विजयी होंगे। ताइवान का भारत के प्रति यह लगाव और चीन के प्रति नफरत को दर्शाता है। हालांकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, पर जब लंका जाने के लिए समुद्र में भगवान राम ने पुल बांधने हेतु समुद्र से रास्ता मांगा तो समुद्र ने इनकार किया। उस समय भगवान का गुस्सा भी इन शब्दों में बाहर आया कि विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होइ न प्रीत। ताइवान का यह संदेश है कि भगवान राम के भारतीय वंशज हैं और वह चीनी रूपी रावण को हर हाल में ही परास्त करेंगे, और आज उसके लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई भी देने लगे हैं। आपको यह बताते चलें कि आज विश्व में दो चीन हैं, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे ताइवान कहा जाता है और एक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो चीन कहा जाता है। दोनों देश तो अपने को असल चीन कहते हैं, पर दोनों अलग अलग देश हैं और दोनों में कभी भी नहीं बनती हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाला था उस समय अपने विरोधियों पर चुन चुन कर अत्याचार करना शुरू किया, तो वहाँ से कुछ लोग भागकर 1949 में इस द्वीप पर आए और ताइवान नामक देश बनाए जो आज सबसे समृद्धशाली देश है। हालांकि यह चीन से बहुत ही छोटा है, लेकिन चीन अभी तक ताइवान का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया है। हालांकि यह चीन से मात्र 120 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। भारत के साथ ताइवान का आना एक बहुत बड़ी घटना है, और अब भारत
चीन की भाषा में ही जवाब देना शुरू कर दिया है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।